हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज़ीनो ज़ोन। फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर हमारी जो एक पुरानी गेम थी निंजास क्रीड के साथ, इसका जो था एरिया थी ब्राजील, उसकी यहाँ पर लास्ट वीडियो के हम लोग बात करने वाले हैं, जिसमें होने वाला है यहाँ पर जो इसकी हंटिंग लिस्ट थी वो, साथ में जो डोमिनेटर है उसका फेस रिवील। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मूव करने से पहले हमारी गेम प्ले की तरफ मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है। हमारा जो यहाँ पर टारगेट है कि हमें अगस्त से पहले करने हैं यहाँ पर 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट, तो प्लीज़ यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने भाई को सपोर्ट जरूर दिखाएं ऐसी ही डिफरेंट ऑसम गेम प्ले वीडियोस देखने के लिए। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम लोग यहाँ पर निंजास क्रीड के, देख सकते हैं आपको चल रहा है यहाँ पर इनका क्रिसमस। भाई यहाँ पर नया साल आया, हफ्ता खत्म हो चुका है, इनका भी क्रिसमस ही चल रहा है, पर कोई बात नहीं। हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से आगे की तरफ। तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर एरिया थ्री ब्राजील में जो इनकी मेन स्टोरी थी हम फिनिश कर चुके हैं। हमें यहाँ पर जो इनकी हंटिंग लिस्ट है वो, साथ में डोमिनेटर खेलना है। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टारगेट है ट्रेटर लेफ्टिनेंट कर्नल, हमें इससे पहले अटैक करना है। नीचे आ रहे ग्रिंट के, यानी कि हम इससे फाइट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, जल्दी से आ जाओ। टेने 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 टेने। आ चुका है हमारे सामने पहला हंटिंग लिस्ट का टारगेट, इसे मारते हैं और देखते हैं कि क्या इसका ट्रिक होने वाली है। क्योंकि जितने भी हंटिंग लिस्ट और डोमिनेटर आते हैं इनके पीछे कोई स्टोरी होती है। नॉर्मल जो आप राउंड खेलते हैं, मिशन खेलते हैं, उनसे ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं और ज़्यादा एंटरटेनिंग होते हैं। स्टार्ट करते हैं, आ जाओ जल्दी से। और ये अपना निंजा भागता हुआ पहुंचा लोकेशन की तरफ। ओ अरे वाह, स्वाट वाले भी यहाँ पे आ चुके हैं भाई। तो यहाँ पे आ रहा टारगेट, हमारा टारगेट है ट्रेटर लेफ्टिनेंट कर्नल, जिसका नाम है यहाँ पर फॉस्टर, देख सकते हैं आप लोग। तो जो यहाँ पे ये फॉस्टर भाई साहब हैं, ये जो हमारे वार्डन थे उसके सबसे ज़्यादा लॉयल सबऑर्डिनेट हैं यहाँ पर, मतलब सब कुछ यही संभाल रहे हैं। तो इसका मरना यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है डोमिनेटर पर अटैक करने से पहले। लो गाइस, हो गया यहाँ पर राउंड स्टार्ट, आते ही फायरिंग शुरू हो चुकी है, टारगेट आ रहे हैं वहाँ पे। ये देखो यार, उन्होंने शील्ड ले रखी है, लेकिन तब भी अगर आपको सही तरीका पता हो तो आप हेड ले सकते हैं। एक और हेड लिया तुम्हारे भाई ने यहाँ पर हमारा जो मेन टारगेट है वो कहाँ पर है अभी? तीन बंदे, तीनों भाई खत्म है एकदम। और बढ़ रहे हम लोग धीरे धीरे आगे, अलग ही नेक्स्ट लेवल गेम है भाई, अलग ही मजा आता है खेलने में गेम को। बढ़ते आगे हम लोग यहाँ से। ओहो, यहाँ भी फायरिंग चल रही है, अरे बहुत सारे बंदे हैं यहाँ। तो फर्स्ट हम लोग इसे मारते हैं, लिया हमने यहाँ पर हेड इसका, क्योंकि बोलो वहाँ पर फायरिंग कर रहे, नीचे से हमारे टारगेट भी कर रहे हैं फायरिंग उन पर। लास्ट टारगेट बचा है, फायर करते हम लेते हैं इसका यहाँ पर हेड, पट से हेडशॉट भाई, खत्म लेफ्टिनेंट इनका यहाँ पर आज। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो हमारा हंटिंग लिस्ट का पहला टारगेट था ट्रेटर लेफ्टिनेंट कर्नल, उसे हमने फिनिश कर दिया यहाँ पर। और लग चुका है यहाँ पर उसके नाम के आगे क्रॉस। अब मूव करते हैं हमारा जो सेकंड टारगेट है हंटिंग लिस्ट का, जिसका नाम है प्रिजन बुली। ग्रीन टेक आ रहे हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पर इस राउंड को खेल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। पहले तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि इसका फेस रिवील होगा, कि बंदा दिखता कैसा है, तभी तो मारेंगे हम लोग। अरे ऐसा है, क्रेट रेसलिंग के अंदर नहीं आता था? और ये हमारा लौंडा आ चुका है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे हमारा निंजा। टारगेट मुझे आगे शायद सामने ही दिख रहा है, ही मार देंगे इसे हम लोग। तो टारगेट है हमारा यहाँ पर जेल हाउस बुली पॉल। और जो पॉल है ये एक्चुअली में बहुत टाइम पहले ही जेल के अंदर आ चुका था प्रिजन के अंदर, तो इसने अपनी पूरी गैंग बना ली है यहाँ पर। और उसकी पहचान ये है कि उसकी बॉडी पे यहाँ पे टैटू, और वैसे मैं तो कहूँगा टैटू तो क्या भाई, वो दिखने में इतना अलग सा लग रहा है, अलग ही चमकेगा पूरी भीड़ के अंदर। आ जाओ भाई, से पहले तो मारते हम लोग। अच्छा, हंटिंग लिस्ट के अंदर क्या हुआ, कभी भी ना मेन कैरेक्टर एकदम से नहीं आता, धीरे धीरे आप मारते मारते तब बढ़ते आगे। अरे यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं यार, सबको मारना है क्या हमें? एक काम करते हैं, ये तो पुलिस वाले हैं, तो पहले हम लोग यहाँ से मारना स्टार्ट। और गणेश के पास इसे मारा लिया, इसका हेड यहाँ पर हमने, और अब इसे मारते हैं। बहुत बढ़िया, अबे पुलिस वाले हमें मार रहे हैं, सब मिले हुए हैं भाई, सबको मारो। तीसरा गया है यहाँ पर, बहुत सही, और निकल यहाँ से, तू भी जा। अभी भी यहाँ पे बहुत सारे बंदे आ रहे हैं। अबे ये कहाँ भागता हुआ आ रहा है भाई? अबे अरे भाई, ये तो अंदर ही घुस गया था, एक सेकंड से बचे हम लोग यहाँ पर, काट देता मैं। बुली नहीं, खली बुली नाम था इसका। सीधा मिले यहाँ पर हमें 20,000 कैश भाई, सीधा। मुझे कहा धीरे धीरे भागता हुआ आ रहा, रुक जाएगा भाई, तो घुसते जा रहा है अंदर। और लग चुका है यहाँ पर इन भाई साहब के नाम के आगे भी क्रॉस। अब बचे हैं यहाँ पे हंटिंग लिस्ट के दो टारगेट, जल्दी से मूव करते हैं, आ जाओ यार। फिर मूव करना है डोमिनेटर की तरफ, उसे मारेंगे हम लोग, देखते हैं कि उसे मारना कितना डिफिकल्ट होने वाला है। नीचे आ रहे हैं ग्रीन टिक, जल्दी से स्टार्ट करते हैं, आ जाओ गाइस। देखते हैं यहाँ पर फेस रिवील होगा तीसरे बंदे का। ओहो, हेड ऑफ द वाइपर, देख सकते हैं आप लोग,
स्टड लौंडा लग रहा है यहाँ पे काफी ज्यादा एकदम ये। आ जाओ यार इसे मारते हैं, पहले तो इसी गोल्ड की चेन को हम लूटेंगे। सबसे जरूरी काम तो वही है। धीरे धीरे निंजा बढ़ रहा है हमारा, एकदम छुपता हुआ एकदम धीरे धीरे। अरे टेरेस पे बंदे खड़े हैं भाई, तो यहाँ पे जो इनका लीडर है आर्थर, हमें इसे मारना है। पढ़ लेते हैं इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में क्या दिया हुआ है। तो ये बता रहे हैं कि ये बहुत यंग और एनर्जेटिक है। अबे तो इससे हम क्या करें, और गवर्नमेंट चाहती है, मतलब गवर्नमेंट उम्मीद कर रही है कि हम लोग इसे यहाँ पे मार पाए। निंजा के होते हुए डाउट कर रहे हो भाई, ये गलत बात है। आ जाओ करते हैं हम लोग यहाँ पे इसकी कहानी को खत्म और स्टार्ट करते हैं मिशन को। तो यहाँ पर एक बंदा पीछे पहले जिसे मार लेते हैं हम लोग, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी आसपास होगी ना, वरना डायरेक्ट उसे मारेंगे देख लेंगे वो लोग यहाँ पर। अब दो बंदे यहाँ पर हैं, इन्हें मारते हैं। बहुत सही। अब जो इसके साथ वाला बंदा है वो है पागल, क्योंकि उसे गिरता हुआ दिखा नहीं है। अब एक बंदा वहाँ भी है, ओए आ गया वो, आ गया। डायरेक्ट मारे तो हम लोग उसको गार्ड ने देख लिया यहाँ पर। अरे अरे ध्यान से, बहुत सही लिया हमने यहाँ पर, ऐसे गर्म गर्म हेडशॉट। हमारे होते हुए गुंडे बन हो गए हैं। और मिलते हैं हमें इस बार सीधा 22,000 कैश भाई। और यहाँ पर तीसरा बंदा भी हुआ फिनिश। अब सिर्फ लास्ट बंदा बचा है यहाँ पर, एशियन किलर, जो कि हंटिंग लिस्ट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टारगेट होने वाला है। यहाँ पर आ रहे हैं यहाँ पर ग्रीन टिक डोमिनेटर के अंदर भी, लेकिन हम पहले यहाँ पर जो हंटिंग लिस्ट है फिनिश कर लेते हैं। जल्दी से मूव करते हैं लास्ट टारगेट की तरफ, देखते हैं इसका यहाँ पर फेस रिवील होने वाला है। ओ भाई सस्ता जेम्स बॉन्ड भाई, सस्ता जेम्स बॉन्ड। निंजा वर्सेस जेम्स बॉन्ड फाइट होने वाली है बॉयज। तो यहाँ पर जो टारगेट है उसका नाम है एशियन किलर कॉन्जिंग, और बता रहे हैं यहाँ पर कि वो एक मिस्टीरियस किलर है एशिया का, और ऐसे कहते हैं कि उसके पास बहुत ही यूनिक स्किल है, लेकिन आज तक किसी ने उसकी स्किल वो देखी नहीं है। तो आज हम लोग यहाँ पर टेस्ट करते हैं कि ज़्यादा पावरफुल कौन है यहाँ पर, ये या फिर हम निंजा। चलो गाइस हो गया यहाँ पे हमारा राउंड स्टार्ट। अब वेट करते हैं हम लोग उसे, देते हैं कहाँ से आता है वो। अरे आ गया सामने की तरफ, दूर से मार देंगे से, मारने में दिक्कत क्या होने वाली है भाई। अरे नहीं अभी ये थोड़ा आउट ऑफ रेंज चल रहा है आई गेस। अब हम लोग मारते हैं इसका हेड पे एम करेंगे, पर इसमें ऐसी यूनिक स्किल क्या है। ओ भाई इसने डॉच कर दिया हमारे एरो को, तो आई गेस यहाँ पे हम लोग इसे डायरेक्टली मार नहीं सकते। तो या तो हो सकता है हम लोग इसके स्टेयरकेस गिरा दें यहाँ पर, तो कुछ खो सकता है यहाँ पर। अबे गिर गया गधा। अरे भाई तो यहाँ पर ये ट्रिक थी कि वैसे अगर आप नॉर्मल एरोज मारोगे तो बच जाएगा, बट जब इसका यहाँ पर ध्यान हट गया तब आप इसे इजीली मार पाओगे। क्या मुंह के बल गिरा है, एक बार जरा पीछे करके देखो आप कितना गंदा गिरा है। मिलते हैं हमें यहाँ पर 24,000 कैश, बहुत सही। तो गाइस यहाँ पे हमारे हंटिंग लिस्ट के चारों जो एनिमी इससे फिनिश हो चुके हैं। अब बारे आ चुके हैं यहाँ पर ब्राज़ील के डॉन की। आ जाओ फ्रेंड्स अब जरा हम लोग यहाँ पर एरिया 3 ब्राज़ील का लास्ट बैटल डॉन बैटल करते हैं। आ जाओ जल्दी से, होगा यहाँ पे इसका फेस रिवील देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर खून वून लगा हुआ है भाई इसकी तो शर्ट पे, और काफ़ी खतरनाक सा भी लग रहा है यहाँ पे मुझे तो। ये भाई इसको तो हमने मार दिया था, दोबारा कैसे आ गया यहाँ पर एशियन किलर। हद ओ इसे किसने, ओबे भाई अपने ही बंदे को मार दिया भाई, सांप पाल के रखे थे भाई, अपने ही आदमी को मार दिया। और अपना इसने जो बैच था वो हमारी तरफ फेंक के मारा है इसने, निंजा से बदतमीजी भाई। तो इसका नाम है लुइस, और ये चला रहा था प्रिजन को वाइपर गैंग के साथ मिलके यहाँ पर, तो हमें इसे फिनिश करना है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स हो गया यहाँ पे हमारा राउंड स्टार्ट। बॉक्सेस की तरफ कुछ एरो आ रहा है, ओबे भाई डॉच कर रहा है ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो है हाइड कर रहा है, तो हमें शायद इस तरीके से मारना होगा कि हम लोग इसके बॉक्सेस को ब्लास्ट कर दें ताकि इसे कहीं हाइड करने की जगह ना मिले। देखो एक बॉक्स में ब्लास्ट कर दिया, मारा साइड हुआ, तो अब यहाँ पर इसको अटैक कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो एक बॉक्स और बचाओ, इसको फाइनल डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, फिर ये कहीं भी छुप नहीं पाएगा। रुक जाओ बेटे, अरे जल्दी कर यार, ये लोग फायरिंग कर रहे हैं, हम पे लगना जाए कहीं। बॉक्स से देखो उधर छुप गया है, और ये गया इसका बॉक्स। अब इसकी वाई लेते हैं यहाँ पे से गर्म गर्म हेडशॉट। ओह फ्री बच गया, ध्यान से पट फिनिश, बहुत सही। अब हम लोग बन चुके हैं यहाँ पर 3 एरिया के डॉन, आज गजब। मिलते हैं हमें यहाँ पर 26,000 कैश OPR। और ये जो कटसीन आता है ये देखो, ये खच, ओ भाई खत्म भाई काम, देख सकते हैं आप लोग इसका यहाँ पर। और अब यहाँ पर एरिया 3 ब्राज़ील का नया डॉन सूर्या भाई। अपना फैलकॉन निंजा देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, 3 एरिया के डॉन है इस समय हम लोग यहाँ पर, और लग चुका है यहाँ पर इसके नाम के आगे क्रॉस। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा 4th चैप्टर था फ्रांस, वो हो चुका है यहाँ पर अनलॉक।
तो हम लोग फ्यूचर वीडियोस के अंदर कवर करने वाले हैं, तो मज़ा आने वाला है। न्यू लोकेशन होने वाली है, न्यू सब कुछ होगा यहाँ पे, वेपन बाय करना पड़ेगा हमें न्यू यहाँ पर, तो वो तो आएगा हम लोग पहले कर लेते क्योंकि हम बो एंड एरो को तो यूज़ करना पड़ेगा हमें न्यू चैप्टर के अंदर, तो पहले हम लोग उसे बाय कर लेते, देखते हैं हम लोग क्योंकि उसके स्टैट्स जो हैं कितने बढ़िया हैं। यहाँ पर मूव करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो फिलहाल तो हमारे पास एरिया 3 का है, एरिया 4 का ये रहा कोल्ड फोर्ज बो। वो भाई काफ़ी महंगा भी है, फिर गोल्ड कॉइन वाला भी, पिम वाला भी, तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे जो नॉर्मल ऐसे बाय कर लेते जल्दी से। आ चुका है यार नया बो, दे सकते हैं आप लोग यहाँ पर। अब इसको हम लोग जितना मैक्सिमम अपग्रेड कर लेते हैं हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि बाद में फिर कुछ टाइमिंग का आता है तो वो हम लोग धीरे धीरे करते रहेंगे यहाँ पर, जैसे जैसे मिशन में आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसी के साथ हो चुका है हमारा एरिया 3 ब्राज़ील कंप्लीट एकदम यार। बहुत ही यूनिक एंड डिफरेंट गेम है, काफ़ी मज़ा आता है ऐसे खेलने में। तो गाइज आप लोगों को गेम प्ले में मज़ा आया हो यार, आपको वीडियो बनाने के एफर्ट्स पसंद आए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें यार। हमारा जो 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है यार, उसे प्लीज़ अचीव कराने में हेल्प करें आप लोग, क्योंकि ये आप ही कर सकते हो यार। तब तक आप इस गेम को खेलें, एंजॉय करें, और मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, आपको वीडियो कैसे लगी वो कमेंट करके बताएं, और आपका एक्सपीरियंस इस गेम को खेलने कैसा रहा वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं, और कौन सी गेम की वीडियोस आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं वो भी आप नीचे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। अपने अमेजिंग फ्रेंड्स से इस वीडियो को शेयर करें, और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग गेम रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ZeeZone को सब्सक्राइब करें, और साथ ही अपने अमेजिंग फ्रेंड्स से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक्स।